नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। सोमवार को बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कौरवों को जनता को लूटने की विवादित टिप्पणी करने पर नरसिंहपुर में कौरव समाज द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नरसिंहपुर के सुभाष पार्क चौराहे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंकते हुए प्रशासन से उन पर FIR दर्ज करने की मांग की है। कौरव महासभा का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ओछी राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की किस कौरव ने जनता के साथ लूट की है वह बताने का कष्ट करें, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर अपने बयान पर माफी मांगे। यदि उनके द्वारा अपने इस घृणित कृत्य पर माफी नहीं मांगी गई तो कौरव समाज उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर उनका बहिष्कार करेगा, साथ ही प्रदेश में बीजेपी का भी बहिष्कार किया जाएगा। वही कौरवों का समर्थन नरसिंहपुर के युवा कांग्रेस द्वारा भी किया गया और उन्होंने प्रशासन से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन किया है। भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने वाले और दल बदल कर राजनीति चालू करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जिस तरह से कौरव समाज को टारगेट बनाकर कल एक ट्वीट किया गया, उसका हम कौरव युवा सभा द्वारा विरोध प्रदर्शन यहाँ पुतला जलाकर किया गया और हम उनसे मांग करते हैं कि जिस तरीके से उनने ट्वीट किया है उसको अलग करके माफ़ी मांगें। और असली चोर तो वो है जो किसानों के 2 लाख की कर्ज माफ़ी की बारी आई उसको अलग करके उन्होंने दल बदल कर और उनके साथ जो 22 लोग जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की और जाके उन लोगों ने किसानों को लूटा है, असली चोर तो ये है। हम कौरव सभा द्वारा उनसे ये मांग है कि अपने ट्वीट को वापस लेकर कौरव समाज से माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हम लोगों का विरोध प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा और परिवारवाद दायर करने की हम लोगों की चल रही है। अब आगामी रणनीति हम लोग बैठ के समाज में वो करेंगे, आगे जाके इसका वो करेंगे। कल राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं भाजपा की IT सेल के जो हैं उनके उससे ट्वीट हुआ है कि 100 कौरवों ने जनता को लूटा है। तो आज हम कौरव महासभा के द्वारा नरसिंहपुर में सिंधिया का पुतला दहन किया गया है और यह मांग की गई है, सिंधिया जी से पूछा गया है कि कौन से कौरवों ने आपका पैसा लूटा है, कौन से कौरव आपको लूटने आए थे, इसकी जानकारी दें और यदि आप जानकारी नहीं दे सकते तो सार्वजनिक रूप से कौरव समाज से माफ़ी मांगें और हम प्रशासन से भी सिंधिया जी के इस बयान पर माफ़ी मांगने के लिए कार्रवाई की मांग करते हैं और इन पर FIR की मांग करते हैं। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।